जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी प्राचीन परंपराओं को एक नवीनतम स्वरूप प्रदान कर उन्हें पुनः जीवंत कर उनके प्रचलन हेतु कार्यरत है। इसी कृत्य कर्तव्य के एक प्रकरण में स्थानीय जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी पिछले कई वर्षों से प्रत्येक वर्ष सावन मास में जम्मू प्रांत की प्राचीनतम बीजारोपण परंपरा रुट राड़े का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष भी इस प्राचीन बीजारोपण तकनीक को पुनः उजागर करने के लिए स्थानीय कला केंद्र में सावन यानी जून मास में रुट राड़े और तम्मा राड़े एक त्योहार के रूप में आयोजित किए गए। इस त्योहार में इस परंपरा को जीवित रखने वाले परिवारों, बुजुर्ग किसान महिलाओं एवं विशेषज्ञों को सम्मिलित कर पारंपरिक विधियों, रंगोली एवं उपकरणों द्वारा बीजारोपण किया गया।
राड़े जम्मू प्रांत की प्राचीन कृषि तकनीक है, जिसमें मिट्टी के घड़ों को गले तक कृषि क्षेत्र में गाड़ दिया जाता है और महिलाएं उस घड़े के इर्द गिर्द रंगोली सजाकर पौराणिक लोक गीत और गाथाएं गाती हुई उनमें विभिन्न अनाज के बीज बो देती हैं। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस हर साल ये जो संग्रांद होती है इस जून के महीने में, देसी महा का जो हमारी हाड़ की संग्रांद होती है जिसे हम कहते हैं, इस दिन हम हमारी एक बड़ी पुरानी फोक फॉर्म है जम्मू की खास तौर पर, जिसे हम रुट राड़े कहते हैं। रुट राड़े हमारी एक ऐसी ट्रेडिशनल फोक फॉर्म है जो हमारे एग्रीकल्चर के साथ सीधा लिंक्ड है। इसमें ख़ास तौर पर हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे, जो किसानी से हमारा प्रोफेशन ज़्यादातर जुड़ा हुआ है, जी जी। तो वहाँ पर वो क्या करते थे कि जिस साल उन्होंने फसल बीजनी है वो कैसे पता लगा सकेंगे कि इस साल हम कौन सी फसल बीजें तो उसका हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मौसम के हिसाब से बारिशें कैसे होंगी। तो वो क्या करते हैं कि इस महीने में एक हमारे जो हम बीज बीजते हैं वो 4-5-6 किस्म के बीज जो हैं वो बीज देते हैं और उनको फिर एक महीना पूरा उनको पानी देते हैं, उनकी पूरी परवरिश करते हैं और एक महीने बाद वो उन 6-7 बीज में से देखते हैं फल किसका ज़्यादा है, किस एरिया में किस तरह का बीज बीजा जाए तो हमें फल अच्छा मिलेगा, झाड़ अच्छा मिलेगा। तो ये एक सॉइल टेस्टिंग का एक पुराने ज़माने का एक तरीका था और ये अब क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है तो अब हमने और तरीके अपना लिए, लेकिन इस ट्रेडिशन के साथ साथ आप देखिएगा हमारी बहुत सारी जो लोक कलाएं हैं, फोक फॉर्म्स हैं, वो जुड़ी हुई हैं। सावन की वर्षा एवं धूप की किरणों से जो बीज उगता है उसी से मिट्टी की उपज एवं नमी का अंदाजा लेकर उसी अनाज की फसल उगाई जाती है। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि रुटराड़े मिट्टी की जांच अथवा सॉयल टेस्टिंग की एक अनूठी वैज्ञानिक कृषि तकनीक थी जो अब लुप्त होती एक परंपरा बन चुकी है
और इसी लुप्त होती वैज्ञानिक परंपरा को उन्हें जीवित करने का बीड़ा उठाया जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी ने। हमारे यहाँ बुज़ुर्ग कुछ महिलाएं आई हुई हैं जिनकी उम्र 70 प्लस या 80 प्लस भी है, वो इस खास रुटराड़े के साथ संबंधित, हमारी खेती के साथ संबंधित फोक जो लोक गीत हैं वो गा रही हैं। और इसी तरह ये जो आप उनके देखेंगे, ये घड़े का जो एक नेक होता है उस पार्ट के अंदर इन्होंने बीज बीजे हैं, और उसके साथ जो रंगोली इन्होंने बनाई हुई है, ये इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो कलर्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं ये ओरिजिनल हमारे कलर्स हैं जो फैब्रिक नहीं हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें इन्होंने देखा होगा कि ईंट को रगड़ के जो पाउडर बनता है उसको लिया हुआ है, इन्होंने आटे का मिक्सर यूज़ करके कलर बनाए हैं, इन्होंने हमारी जो कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके पत्तों को सुखा के उसका पाउडर बना के इन्होंने ये बीज बनाया हुआ है। तो ये सारा हमारा ओरिजिनल एक क्रिएटिविटी का बहुत अच्छा नमूना है।